सीजन 13 और शो के विनर सिद्धार्थ शुक्ला, ये दो ऐसा नाम है जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आंखों में हर किसी के बीच आंसू बनकर आ रहा है। ऐसे में बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला और इस शो की दूसरी मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट शहनाज गिल की कुछ यादें हैं जो हम आप सभी के बीच साझा ज़रूर करना चाहेंगे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आप सभी को मालूम ना हो या आपको शायद जानकारी ना हो, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल जो कि सिडनाज के रूप में जाने जाते थे, अगर आपने बिग बॉस देखा हो तो बिग बॉस सीजन 13 में किस तरह से शहनाज गिल के साथ सिद्धार्थ शुक्ला का जो बॉन्ड था ये बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाला बॉन्ड नहीं, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करने वाला बॉन्ड था। लेकिन ये आपको क्या मालूम है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के नाम जो सिडनाज बने वो हमेशा के लिए क्यों टूट गए? क्योंकि 40 की उम्र में जब सिद्धार्थ का निधन हुआ तो फिर बाद में पता चला कि शहनाज और सिद्धार्थ से दोस्त ही नहीं बल्कि इन दोनों ने शादी का भी फैसला लिया है। ये दोनों शादी के भी बंधन में बनने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन शादी के बंधन में ये दोनों बनते इससे पहले, दिसंबर का महीना आता इससे पहले, हमेशा हमेशा के लिए जोड़ी टूट गई। सिद्धार्थ को आए हार्ट अटैक के बाद वो बच ना सकी। ऐसे में सिद्धार्थ और शहनाज के नोकझोंक की ये दर्द भरी वीडियो हम आपके बीच लाए हैं। ये नोकझोंक आप देख सकते हैं सिद्धार्थ और शहनाज के बीच का, ये नोकझोंक जो लोगों को काफ़ी रुला रहा है, ये नोकझोंक जो लोगों को हर तरह से इमोशनल कर दे रहा है। क्या आप सभी को मालूम है कि सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल के बीच ये नोकझोंक बिग बॉस सीजन 13 में ही शुरू हुआ? कभी शहनाज को सिद्धार्थ मारा करते थे थप्पड़ और फिर उनके साथ होती थी नोकझोंक, हाथापाई हो जाती थी, तो कभी शहनाज को शो से हटकर शो के बाद देखा गया था सिद्धार्थ पर हाथ उठाते, उन्हें थप्पड़ मारते, लेकिन कुरकुरे के एड शूट के रियल लाइफ में सिद्धार्थ की जोड़ी थी बहुत रोमांटिक।